नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरियन इन्फॉर्मेशन साइंस चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लाइब्रेरियन इन्फॉर्मेशन साइंस का MCQ 13। यह आपके UGC नेट, KVS, NVS और अदर लाइब्रेरी साइंस के जो कॉम्पिटिशन पेपर होते हैं, जिनमें MCQ क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, उसमें काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, हो सके तो कमेंट भी कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम वेयर डिड वी टेक द वर्ड कैटलॉग? कैटलॉग शब्द कहाँ से लिया? यह लिया हमने ग्रीक से। सेकेंड क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डिड वी टेक द वर्ड इंडेक्स? इंडेक्स शब्द कहाँ से लिया? यह लिया हमने लैटिन भाषा से, लैटिन लैंग्वेज। थर्ड क्वेश्चन है, वेयर इज़ द नेशनल साइंस लाइब्रेरी सिचुएटेड? नेशनल साइंस लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? यह स्थित है निस्केयर, न्यू दिल्ली में। फोर्थ क्वेश्चन है, वेयर इज लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सिचुएटेड? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कहाँ स्थित है? यह स्थित है USA में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। फिफ्थ क्वेश्चन है, वेयर इज़ द नेशनल डाइट लाइब्रेरी सिचुएटेड? नेशनल डाइट लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? यह स्थित है जापान में। सिक्स्थ क्वेश्चन है, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन कहाँ स्थित है? वेयर इज स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन सिचुएटेड? इसका आंसर है वॉशिंगटन। सेवन्थ क्वेश्चन है, इन विच ईयर स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन स्टार्टेड? स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन किस वर्ष स्थापित हुई? इसका आंसर है 1909। एट्थ क्वेश्चन है, वेयर इज DRTC सिचुएटेड? DRTC कहाँ स्थित है? आंसर है बेंगलोर। नाइन्थ क्वेश्चन है, वेन डिड DRTC स्टार्टेड? DRTC कब स्थापित हुआ? यह स्थापित हुआ 1962। टेंथ क्वेश्चन है, वेयर डिड फर्स्ट रिफ्रेशर कोर्स स्टार्टेड इन इंडिया? रिफ्रेशर कोर्स प्रथम बार भारत में कहाँ प्रारंभ हुआ या शुरू हुआ? यह शुरू हुआ है बड़ौदा 1910-11 में। अलेवेंथ क्वेश्चन है, वेयर डिड फर्स्ट PG डिप्लोमा कोर्स स्टार्टेड इन इंडिया? भारत में प्रथम बार स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स कहाँ शुरू किया गया और कब? यह किया गया मद्रास यूनिवर्सिटी 1937 में। ट्वेल्थ क्वेश्चन है, वेन डिड मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट केम? मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष आया? यह आया 1948 में। थर्टींथ क्वेश्चन है, वेन डिड उत्तराखंड पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट केम? उत्तराखंड सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष आया? यह आया 2005 में। रिव्यू कमेटी ऑन लाइब्रेरी साइंस के चेयरमैन कौन थे? हु वॉज द चेयरमैन ऑफ रिव्यू कमेटी ऑन लाइब्रेरी साइंस? इसका आंसर है डॉक्टर SR रंगनाथन। 15th क्वेश्चन है, इन विच ईयर रिव्यू कमेटी ऑन लाइब्रेरी साइंस केम? रिव्यू कमेटी ऑन लाइब्रेरी साइंस किस वर्ष आई? यह आई 1961 में। 16th क्वेश्चन है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ UGC मॉडल करिकुलम लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस? UGC मॉडल करिकुलम लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस के चेयरमैन कौन थे? यह थे डॉक्टर CR करिसिद्दीप्पा। 17th क्वेश्चन है, वेयर इज एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी सिचुएटेड? एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? यह स्थित है मुंबई में। 18th क्वेश्चन है, इन विच ईयर ERNET एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क एस्टेब्लिश? किस वर्ष एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क की स्थापना हुई? यह हुई 1986। 19th क्वेश्चन, इन विच ईयर UGC इन्फोनेट एस्टेब्लिश? UGC इन्फोनेट की स्थापना कब हुई? यह हुई वर्ष 2002 में। 20th क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एग्रिस सिचुएटेड? एग्रिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय है रोम। 21st क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन? यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन किसने शुरू किया? इफ्ला ने। 22nd क्वेश्चन है, वेन डिड बुक बैंक पॉलिसी स्टार्टेड बाई UGC? UGC द्वारा बुक बैंक पॉलिसी कब शुरू की गई? यह की गई 1963 में। 23rd क्वेश्चन है, वेन डिड सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग फर्स्ट पब्लिश SLSH कब पहली बार प्रकाशित किया गया? यह किया गया 1923 में। 24th क्वेश्चन है, वेन डिड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन फर्स्ट पब्लिश? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन कब पहली बार प्रकाशित हुआ? यह हुआ 1931 में। 25th क्वेश्चन है, वेन डिड बर्न कन्वेंशन ऑर्गेनाइज्ड? बर्न कन्वेंशन कब आयोजित हुआ? यह 1886 में। यह बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड था। यह आया है 1886 में। 26th क्वेश्चन है, वेन डिड इंपीरियल लाइब्रेरी स्टार्टेड? इंपीरियल लाइब्रेरी कब स्थापित हुई थी? यह हुई थी
1891 में, 1891 व्हेन डेड यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन फर्स्ट एडिशन पब्लिश, यूडीसी का पहला संस्करण कब प्रिंट हुआ, यह हुआ 1905 में। 20th क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड वीट लोन एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम एंड इन विच ईयर, वीट लोन एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम कब और किसके द्वारा किया गया, यह किया गया यूजीसी 1951 में। 29th क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड डिजिटल इंडिया योजना एंड इन विच ईयर, डिजिटल इंडिया योजना किसके द्वारा उद्घाटन किया गया और कब किया गया, यह किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2016 में, पीएम नरेंद्र मोदी 2016। 30th क्वेश्चन है, व्हेन डिड इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया ओपन फॉर पब्लिक, इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कब जनता के लिए खोला गया, यह खोला गया 30 जनवरी 1930, 30 जनवरी 1930। 31 क्वेश्चन है, व्हेन डिड कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी मर्ज इनटू इंपीरियल लाइब्रेरी, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में कब मिला दिया गया, यह मिलाया गया 1902-03 में, 1902-03 में। 32nd क्वेश्चन है, 32 व्हेन डिड इंपीरियल लाइब्रेरी डिक्लेयर टू नेशनल लाइब्रेरी, इंपीरियल लाइब्रेरी को राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित कब कर दिया गया, यह किया गया 1948 में। 33 क्वेश्चन है, व्हेन डिड डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट अमेंडमेंट डन फर्स्ट टाइम, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट कब संशोधित किया गया प्रथम बार, यह किया गया 1956 में। 34 क्वेश्चन है, व्हेयर डिड वर्ल्ड्स फर्स्ट पब्लिक अमेंडमेंट एप्लीकेबल, विश्व का प्रथम सार्वजनिक अधिनियम कहाँ लागू हुआ, इंग्लैंड में सन 1850 में। 35th क्वेश्चन है, वेयर डिड मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी अमेंडमेंट वॉज प्रेजेंट बाय एस आर रंगनाथन एंड इन विच प्लेस, मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम डॉक्टर रंगनाथन द्वारा कब और कहाँ पेश किया गया, यह किया गया 1930 में आया और बनारस में आयोजित ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में पेश किया गया। 36 क्वेश्चन है, लाइब्रेरी सेसेस विच टाइप ऑफ लाइब्रेरी इनकम, पुस्तकालय उपकर किस तरह के पुस्तकालय का प्रमुख आय का स्रोत है, यह है पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक पुस्तकालय। 37th क्वेश्चन है, हु इज द हेड ऑफ RRLF, राजा राम मोहन रॉय पुस्तकालय प्रतिष्ठान का मुखिया कौन होता है, या होता है डायरेक्टर निदेशक। 38th क्वेश्चन, इन विच ईयर PERT मैनेजमेंट टेक्निक डेवलप, किस वर्ष PERT प्रबंधन तकनीक का विकास किया गया, या किया गया 1958। 39 क्वेश्चन है, हु डेवलप UDC, UDC का निर्माण किसके द्वारा किया गया, इसका आंसर है हेनरी ला फोंटेनिया। 40th और लास्ट क्वेश्चन है आज का, वेयर डिड क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप एस्टेब्लिश, वर्गीकरण शोध समूह कहाँ स्थापित किया गया, यह किया गया लंदन यूनाइटेड किंगडम, इसका आंसर है। तो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी को आज का MCQ पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर जरूर कीजिएगा, इसी तरह हम आपके लिए विभिन्न वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।